मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में दंगे हो रहे हैं। युवाओं में खासा आक्रोश है। युवा इस योजना से गुस्साए हुए हैं और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने इस मामले में चिंता जताते हुए सरकार पर तंज कसा है। दरअसल विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर जलती ट्रेन का वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा है और लिखा है, देश की सेवा का सपना देख रहे युवाओं को एक झटके में देश के दंगाई बना दिया गया है। शर्मनाक है ये सब। पता नहीं अहंकारी को कब अक्ल आएगी। बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें। हालांकि विनोद के इस ट्वीट पर अब तमाम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई अग्निपथ योजना को सही बता रहा है तो कई लोगों ने इसके विरोध में भी ट्वीट किए हैं। इसके अलावा विनोद कापड़ी ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के ट्वीट को भी रीट्वीट किया है, जिसमें वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूपी के बलिया में जल रही ट्रेन का वीडियो शेयर करते हुए पूछा है कि योगी आदित्यनाथ कहाँ हैं। हालांकि अब इस पर भी कई यूजर्स ने कॉमेंट किया है। बता दें, सतीश जातिया नाम के यूजर ने लिखा, यूपी में ट्रेनें फूकी जा रही हैं और अब योगी का बुलडोजर कहाँ है और खुद क्या मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। तो वहीं रफीक अजमेरी ने लिखा, बुलडोजर चलाने में व्यस्त हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई अग्निपथ योजना के तहत जो सरकारी नौकरियां निकली हैं वो सही हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।